आईसीसी की तरफ से जारी की गई नई वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल नंबर दो पर काबिज हैं, वहीं 715 अंक के साथ पूर्व कप्तान विराट कोहली आठवें पायदान पर काबिज हैं। विराट कोहली एक पायदान नीचे खिसक गए हैं। इस लिस्ट में टॉप पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का नाम है। बाबर आजम 863 अंकों के साथ आईसीसी रैंकिंग में पहली पोजीशन पर बने हुए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भारत के पुरुष और महिला वकीलों की क्रिकेट टीम को आमंत्रित किया है। अक्टूबर 2023 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों टीमों के बीच एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच आयोजित कराने के लिए पाकिस्तान ने इनविटेशन भेजा है। एशिया कप में कमाल की गेंदबाजी करने वाले कुलदीप यादव ने चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा है कि अच्छा लगता है जब लोग आपकी तारीफ करते हैं। मैं अपने मौजूदा खेल से खुश हूं, लेकिन मेरी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया था जब मुझे लगने लगा था कि मैं रिटायर हो चुका हूं। मैंने मेहनत की और ईश्वर की कृपा से मैं लय में वापिस आ सका। अगर श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मैच बारिश के कारण धुल जाता है तो श्रीलंका बेहतर नेट रन रेट के आधार पर फाइनल में पहुंच जाएगा। भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान नेट रन रेट में बहुत नीचे चला गया है। एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 14 सितंबर को कोलंबो में 93% बारिश का पूर्वानुमान है। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके पूर्व क्रिकेटर खालिद लतीफ को डच अदालत ने 12 साल जेल की सजा सुनाई है। खालिद ने एक डच सांसद का सिर कलम करने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। लतीफ ने एक वीडियो में नीदरलैंड्स के सांसद का सिर काटने वाले को 21,000 यूरो देने का ऐलान किया था। लतीफ पहले भी विवादों में रह चुके हैं। साल 2017 में उन्हें PSL में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाया गया था और 5 साल के लिए उन पर बैन भी लगा था। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जा रही भारतीय क्रिकेट टीम को झटका लगा है। तेज गेंदबाज शिवम मावी चोटिल हो गए हैं और अब उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में BCCI उमरान मलिक को टीम में शामिल कर सकता है। यश ठाकुर को भी टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन वे पूरी तरह फिट नहीं है। एशिया कप के सुपर फोर में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 41 रनों से शिकस्त दी। इस मैच में मिली जीत के साथ ही टीम इंडिया ने एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की जीत से पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ है। अब पाकिस्तान अपने अगले मैच में श्रीलंका को यदि हरा देता है तो उसकी टीम भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर टीम इंडिया यह मैच हार जाती तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ अपने मैच को तो जीतना ही पड़ता, साथ ही उन्हें यह भी उम्मीद लगाए रखनी पड़ती कि बांग्लादेश भारत को बड़े अंतर से मैच हरा दे। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एशिया कप 2023 में एक बड़ा मुकाम अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका के खिलाफ सुपर फोर के मुकाबले में उन्होंने एक विकेट लेते ही वनडे एशिया कप में इतिहास रच दिया। जडेजा अब इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। जडेजा के नाम 24 विकेट हो गए हैं और उन्होंने इस मामले में इरफान पठान को पीछे छोड़ दिया है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने दमदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। साउथ अफ्रीका ने इस मैच को 111 रनों से अपने नाम किया। हालांकि अभी भी इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम 2-1 से आगे है। हॉकी की दुनिया में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मंगलवार को पाकिस्तान हॉकी महासंघ को एक बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान को अगले साल पेरिस ओलंपिक से पहले ओलंपिक क्वालिफिकेशन की मेजबानी करनी थी, लेकिन अब उससे ये मेजबानी छीन ली गई है। ITIA ने मंगलवार को बताया कि रोमानिया की स्टार टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप को डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल के लिए पेशेवर टेनिस खेलने से बैन कर दिया गया है। ITIA की रिपोर्ट के अनुसार 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन हालेप पर US ओपन 2022 के दौरान 2 बार डोपिंग उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि वह पूर्व में टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुकी हैं।